हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरसलान नवीद एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन। टुडे आवर टॉपिक इज रिसर्च टूल एंड डाटा कलेक्शन मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे कि डाटा किस तरीके से हम कलेक्ट करते हैं और उसमें कौन कौन से रिसर्च के टूल यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन। टूल्स आर द इंस्ट्रूमेंट यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट्स एंड सेल्फ एवेल्युएशन एंड एक्सटर्नल एवेल्युएशन। अच्छा, जिसमें आप ये बता रहे हैं कि जो टूल्स होते हैं या इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डाटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस असेसमेंट, यानी कि वो परफॉर्मेंस को भी चेक करते हैं, और जो इंटरनल परफॉर्मेंस यानी कि सेल्फ परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर भी उसकी डिपेंडेंस होती है और एक्सटर्नल पर भी उसकी डिपेंडेंस होती है। टूल्स नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट व्हाट द एवेल्युएशन फाइंड ड्यूरिंग रिसर्च। वो कह रहा है कि आपका जो टूल होना चाहिए ना, वो इस काबिल हो कि जिस काम के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो काम करने के वो काबिल भी हो। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी गैदर्ड, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू कंडक्ट द असेसमेंट फॉर्म्स फॉर द गैदरिंग डाटा। अच्छा, अब इसमें वो ये कह रहा है कि जो टूल है ना, उसकी डिपेंडेंस इसके ऊपर है कि आप किस किस्म का डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। जिस किस्म का डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं उस किस्म का टूल यूज होगा। डेफिनेशन ऑफ टूल। इट इज अ टेस्टिंग डिवाइस फॉर मेजरिंग अ गिवन इवेंट सच एज अ क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू आर अ सेट ऑफ गाइडलाइन और चेकलिस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट आर मशीन दैट एड्स इन अकम्प्लिश अ टास्क। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट आर मशीन दैट एड्स इन अकम्प्लिश अ टास्क। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट आर मशीन दैट एड्स इन अकम्प्लिशिंग अ टास्क। अब इसमें वो ये बता रहा है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या एक ऐसा आला है या मशीन है जो किसी भी काम को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या क्या हो सकता है? क्वेश्चनर भी हो सकता है, ठीक है, इंटरव्यू भी हो सकता है, गाइडलाइन चेकलिस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। ये आगे क्या है जी, चेकलिस्ट क्या है, क्वेश्चनर क्या, इंटरव्यू क्या है, आगे आ रहा अभी देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ रिसर्च टूल। रिसर्च टूल्स आर द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द पर्पज ऑफ डाटा कलेक्शन। वो आला जो डाटा कलेक्शन के काम के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे जाहिर है रिसर्च टूल कहेंगे। और मेजरिंग, या उसको मेजर करने के लिए, एंड ऑब्जर्वेबल फॉर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, या उसको एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल होगा या उसको दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टेड बाय द रिसर्चर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, जो कि रिसर्चर के बनाया हुआ होगा और जिस मकसद, यानी कि किस तरह बनाएगा रिसर्चर, जिस मकसद के लिए उसे चाहिए, जिस मकसद के लिए उसने उसे इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि जरूरी होते हैं देखने, मतलब जिनको, अच्छा जी, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसर्च टूल, यानी कि रिसर्च टूल किस लिहाज से चूज करना चाहिए हमें या किस लिहाज से बनाना चाहिए, ये उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, देख लेते हैं जी। क्वेश्चनिंग वर्ड्स मस्ट बी कंसाइल कंप्लीट एंड डेफिनेट। क्वेश्चनिंग वर्ड मस्ट बी कंसाइल कंप्लीट एंड डेफिनेट, यानी कि जो आपके क्वेश्चनिंग के अल्फाज होना वो बिल्कुल पूरे होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए और एक मफहूम वाजह हो उनको पढ़ने से। कीप इन माइंड द सीक्वेंस एंड ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, ठीक हो गया, यानी कि साइकोलॉजिकली ऑर्डर उसका सेम होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले अगर ये सवाल कर देंगे कि यार आपने स्टडी कहाँ से की है, तो वो कहेगा यार पहले नाम पूछो, पैदा कहाँ पे हूँ ये पूछो, सबसे पहले मेरी लास्ट डिग्री का पूछ लो कि कहाँ से किया, ठीक है ना। इस तरह यानी कि एक सीक्वेंस में साइकोलॉजिकली ऑर्डर के तहत एक क्वेश्चनिंग बनानी चाहिए। वन क्वेश्चन शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस द अदर, एक क्वेश्चन जो हो उसके अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन ना, उसके साथ का मिलता जुलता दूसरा सवाल ना हो। टूल मस्ट नॉट बी टू लॉन्ग आर टू शॉर्ट, इट शुड कम्प्लीट विद इन 25 to 30 minutes, यानी कि जो आप जरिया इस्तेमाल कर रहे हो डाटा कलेक्ट करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट का होना चाहिए। जाहिर है किसी से आप अगर वक्त लोगे तो इतना वक्त भी वो आपको दे दे तो बड़ी बात है। शुड बी अट्रैक्टिव एंड अपीयरेंस, अच्छा वो कह रहा है कि जो उसकी अपीयरेंस दिखने में भी वो अच्छा लगना चाहिए ताकि लोग उसको देख के थोड़ा सा मुतासर हो और उस क्वेश्चनर को या उस टूल को या उस जो भी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है उसमें थोड़ी सी उनकी दिलचस्पी भी बन जाए। अच्छा जी, डाटा की डेफिनेशन देख लेते हैं। डाटा कलेक्शन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजायर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम सिलेक्टेड सैंपल अंडर कंट्रोल्ड सेटिंग। अच्छा जी, डाटा कलेक्शन में प्राइमरी डाटा कलेक्शन, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, प्राइमरी डाटा फर्स्ट हैंड डाटा भी से बोलते हैं। पर्सनल कॉन्टैक्ट ऑब्जर्वेशन इज नीडेड, ये बंदा खुद पर्सनल ऑब्जर्वेशन से हासिल करता है। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद द पार्टिसिपेंट्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि ये आप खुद ले रहे हैं, आप पार्टिसिपेंट आपके सामने, आपके उसके सामने, यानी कि ये फर्स्ट हैंड डाटा वो होता है जो आप खुद कलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर पहले वर्क नहीं किया गया होता। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, ये आप नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसमें आप डायरेक्ट डाटा नहीं हासिल कर रहे थे, आप किसी सोर्स से, इंटरनेट से, किसी मैगजीन से, किसी और जगह से, किसी अखबार से, उससे डाटा ले रहे होते हैं, तो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। प्राइमरी डाटा कलेक्शन, आप ये बता रहे हैं कि प्राइमरी डाटा किस तरह कलेक्ट किया जाता है। इन पर्सन सर्वे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप। अच्छा जी, पर्सन सर्वे क्या है जी? टू गेन जनरल आंसर टू बेसिक क्वेश्चन, यानी कि पर्सन सर्वे आप उसे जनरल आंसर करके उसके जो जवाब होंगे उसको नोट डाउन करके जो डाटा लिया जाएगा उसे पर्सन सर्वे कहेंगे। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, देखने से जो ऑब्जर्व करके जो आप डाटा लेंगे। वन द रिसर्चर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द स्टडी ग्रुप, ठीक हो गया। इंटरव्यू, इंटरव्यू सबको पता है कि सवाल जवाब होते हैं, ठीक है। यूज द गेन मोर इन डेप्थ आंसर टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ठीक हो गया। फोकस ग्रुप, सर्टेन सैंपल ग्रुप्स आर आस्क्ड देयर ओपिनियन अबाउट द सर्टेन सब्जेक्ट और थ्योरी। फोकस ग्रुप ये होता है कि कोई एक मखसूस, जैसे आप हम फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो कोई हमसे स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज लेने आया या फिजिकल एजुकेशन के बारे में नॉलेज लेने आएगा तो वो एक फोकस ग्रुप के पास आ रहा है। अगर हम पूरी यूनिवर्सिटी में जाकर किसी से ले रहे हैं या पूरे कॉलेज में जाकर किसी से ले रहे हैं तो वो फोकस ग्रुप नहीं होगा, वो एक मतलब हर डिपार्टमेंट से आप डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे।
अच्छा जी, दिस डाटा कलेक्शन टूल्स अलाउ फॉर द ट्रू मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी एंड लेट द रिसर्चर ऑब्टेन एनी अनस्पोकन ऑब्जर्वेशंस अबाउट द पार्टिसिपेंट्स व्हाइल कंडक्टिंग रिसर्च। अच्छा, अब ये बता रहा है कि ये जो आप डाटा टूल इस्तेमाल करोगे, ये जो तरीका इस्तेमाल करोगे, तो वो आपको बेहतरीन जो है ना मौका फ्राहम करेगा कि जब आप रिसर्च कर रहे होगे तो आप जो डाटा हासिल कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से डाटा हासिल और आपकी रिसर्च बेहतरीन तरीके से। और नीचे एग्जांपल, नीचे उसने एग्जांपल दिया है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज स्टडीज रिलेटेड टू रूरल और टेरिबल कम्युनिटीज, नर्सिंग रिसर्च, हॉस्पिटल मैनेजमेंट स्टडीज, नॉलेज अवेयरनेस प्रैक्टिस, ईटीसी। अब वो ये बता रहा है कि ये जो हमने डाटा, पर्सनल सर्वे वाला डाटा इस्तेमाल किया है, वो इन सारी स्टडीज में दरामद होगा और काम करेगा और हमारी हेल्प करेगा। किस काम में हेल्प करेगा? कि द ट्रू मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी एंड लेट द रिसर्चर ऑब्टेन एनी अनस्पोकन ऑब्जर्वेशन अबाउट द पार्टिसिपेंट व्हाइल कंडक्टिंग रिसर्च। अच्छा, इसके बाद आ गया स्कैंडी डाटा। स्कैंडी डाटा कब लिया जाता है? व्हेन वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड, जब बहुत बड़े लोग, यानी कि मिसाल के तौर पर हमें 50,000 बंदे की या 10,000 बंदे की या 5,000 बंदे की जब हमने अगर डाटा कलेक्ट करना है, तो हम उसको क्या करेंगे? पोस्टल मेल कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल कर देंगे, टेलीफोन कर देंगे, वेब बेस्ड सर्वे बना देंगे। ठीक है, यानी कि जब बड़ा सर्वे किया जाता है ना, तब ये सेकेंडरी डाटा लिया जाता है। किसी को आपने मेल कर दी, उसने मेल फिल करके आपको जवाब दे दिया। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, अब आगे आ गया जी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। इसमें क्या है जी, मेथड रेफर टू द वे ऑफ गैदरिंग डाटा, अ टूल इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेथड। टूल क्या है? कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेथड यूज होगा। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशनल मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर, फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स, ठीक हो गया। आप ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? जो आप देख के ऑब्जर्व करके हासिल करेंगे खुद जाके। इंटरव्यू मेथड क्या? आप किसी का इंटरव्यू लेंगे। क्वेश्चनर मेथड क्या? आप एक क्वेश्चनर बनाएंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप किसी को देंगे कि यार ये मेरा क्वेश्चनर सॉल्व कर दो, उसके अकॉर्डिंग जो जवाब मिलेंगे आप उस डाटा को स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर लगा के उसको फाइंड आउट कर लोगे। फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स क्या है? जाहिर है फिजियोलॉजिकल उसकी मेजरमेंट्स लेके जो डाटा हासिल होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो ये बता रहा है कि एक या एक से ज्यादा मेथड जो है वो कहीं किसी रिसर्च के लिए चूज किया जाता है, तो अब उस किस तरह चूज करना है, वो नीचे कुछ पॉइंट्स बता रहा है कि इस बेस के ऊपर हम टूल या इंस्ट्रूमेंट रिसर्च के लिए यूज होना है वो चूज करता है। द नेचर ऑफ द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो आप, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है या उसकी स्टडी की क्या नेचर है वो मैटर करता है। द यूनिट ऑफ इंक्वायरीज, कितने आप लोगों के ऊपर डाटा कलेक्शन करना चाहते हो। द साइज एंड स्प्रेड ऑफ द सैंपल, आपका सैंपल कितना बड़ा है, पूरे पाकिस्तान में है, पूरे पंजाब में है, या पूरे आपके शहर में है, किस जगह पे है। स्केल ऑफ द सर्वे, आपका स्केल क्या है। एजुकेशनल लेवल ऑफ रिस्पोंडेंट, आपके एजुकेशनल लेवल क्या, एमफिल के स्टूडेंट है, एमएस के स्टूडेंट है, बीएस के स्टूडेंट है। द टाइप of and the depth of information to be collected, उस पे भी depend करता है कि आपको किस किस्म की information चाहिए। क्या आपको depth वाली सिर्फ athlete के बारे में आपको चाहिए या सिर्फ players के बारे में चाहिए। the availability of skilled and trained manpower, और इस पे भी depend करता है कि आपके पास कितने manpower कितनी है, क्या आपके पास इतने लोग भी हैं जो उस data को utilize कर सकें, जो उस data को collect कर सकें। सबसे पहले है जी ऑब्जर्वेशनल टेक्निक, वन ऑफ द बेसिक मेथड एंड ओल्डेस्ट मेथड, ये एक बहुत बेसिक मेथड है और सबसे पुराना मेथड है। डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन विदाउट आस्किंग फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, यानी कि ये देख के सर्वे करके, जैसे एक बंदा बंदे के बारे में कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जो वो ऑब्जर्वेशनल टेक्निक से वो उसके बारे में एक जेन में एक खदोखाल बना लेता है, एक जेन में एक बात बना लेता है कि इस बंदे की ऑब्जर्वेशनल टेक्निक से वो बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया इफ ऑब्जर्वेशनल इज सिस्टमेटिकली प्लान्ड एंड रिकॉर्डेड कैन बी यूज्ड टू चेक फॉर देयर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। अब वो ये कह रहा है कि कई बार इस तरह होता है कि हमें क्या पता है अब जो हम ऑब्जर्वेशनल मेथड या टेक्निक यूज कर रहे हैं वो वैलिड भी है, रिलायबल भी है या नहीं। तो वो क्या कह रहा है कि उसको कई बार क्या करते हैं सिस्टमेटिक वे में करने के लिए उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है, बाद में चेक किया जाता है कि क्या यार जिसने ऑब्जर्वेशन किया है ये ठीक है या नहीं ठीक, इनकी वैलिडिटी भी है या रिलायबिलिटी भी है या नहीं है। इधर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी आ गया, ये चले मैं अगला लेक्चर जो है ना वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी बना दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए वैलिड और रिलायबिलिटी में फर्क क्या होता है। असेस थ्रू सेंस विद और विदाउट मैकेनिकल डिवाइसेज, यानी कि ये कई बार मैकेनिकल डिवाइसेज के थ्रू भी सेंस होता है या कई बार उनके बगैर भी होता है। कॉमनली यूज फॉर द बिहेवियर स्टडी, ये ज्यादातर रवैयों की जो स्टडी होती है उनको जांचने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब ये ऑब्जर्वेशन की दो टाइप और बता रहा है, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होगा कि एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी जिसमें पहले स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रही होगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, पता भी होगा किस टाइम होनी है किस जगह पे होनी है। अनस्ट्रक्चर क्या होगा कि जैसे वो न्यूटन का सेट गिरा और स्टडी होगी, वो अनस्ट्रक्चर स्टडी थी। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक उसने लगा दी, एक्सप्लेनेटरी स्टडी उसे बोलते हैं। अच्छा अच्छा जी, जो आलात इस्तेमाल होते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड में वो कौन कौन से हैं? फील्ड नोट्स, एनेक्डोट्स, चेकलिस्ट। फील्ड नोट्स जो है, यानी कि वो फील्ड में जो नोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो एनेक्डोट्स क्या होता है, वो स्टडी जो पहले स्टोरी हुई होती है, स्टोरी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में चेकलिस्ट, एक आपने चेकलिस्ट बनाई होती है कि ये काम है, ये चीज ऑब्जर्व करनी है। ठीक हो गया। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सब्जेक्ट बायस इज एलिमिनेटेड रिलेटेड टू व्हाट इज करंटली हैपनिंग। एडवांटेजेस के क्या है कि इसमें जो सब्जेक्ट है उसके जो पर्सनल बायस है उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है रिलेटेड टू व्हाट करंटली हैपनिंग, यानी कि इसको मतलब होता है जो मौजूदा हालात में हो रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ रिस्पोंडेंट। ये इंडिपेंडेंट रिस्पोंडेंट से इंडिपेंडेंट होता है कि रिस्पोंडेंट कैसा रिस्पोंड कर रहा है, इसमें किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। क्वेश्चनर में जो होता है अगर रिस्पोंडेंट ठीक नहीं रिस्पोंड कर रहा तो हमारी खराब हो सकती है। डिसएडवांटेजेस एंड एक्सपेंसिव मेथड, ये महंगा मेथड है, इंफॉर्मेशन वेरी लिमिटेड, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड होती है। अनफॉर्चुनेट फैक्टर में इंटरफेरेंस विद ऑब्जर्वेशनल टास्क, इसमें फोर्स वाला जो है ना वो अनफॉर्चुनेट फैक्टर भी आ जाते हैं कई बार, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, इसके बाद आ गया इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड का सबको पता है, एक बंदा कई बार एक बंदा बैठा होता है, कई बार दो तीन बंदे बैठे होते हैं, बुलाते हैं, सवाल से जवाब करते हैं और उन जवाबों को लिख लेते हैं, उसके ऊपर वो मतलब रिसर्च हो जाएगी। अच्छा, इंटरव्यू मेथड ऑफ कलेक्शन डाटा इन्वॉल्व रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरल स्टिमुलाई एंड रिप्लाई इन टर्म्स ऑफ ओरल रिस्पॉन्स, यानी कि बोल के सवाल भी किया जाता है, बोल के जवाब भी दिए जाते हैं। इट कैन बी यूज्ड थ्रू पर्सनल इंटरव्यूज एंड इज पॉसिबल थ्रू टेलीफोन इंटरव्यू, कई बार सामने बैठा इंटरव्यू होता है, टेलीफोन भी हो जाता है, स्काइप से स्काइप भी हो जाता है, जूम भी हो जाता है। अच्छा, क्लासिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू की क्लासिफिकेशन क्या, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, फोकस भी हो सकता है, क्लिनिकल नॉन डायरेक्टिव, ये आपको एग्जांपल आ गया। पर्सनल इंटरव्यूज, आपके क्वेश्चन जनरली इन फेस टू फेस कलेक्ट इंफॉर्मेशन, सामने बैठा के सवाल जवाब किए जाते हैं, वही बात आ गया। सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, आर मे बी इनडायरेक्ट, कोई भी कई बार ये होता है कि एक बंदा सवाल कर रहा है, दूसरा ऑब्जर्व कर रहा है, वो इंटरेक्ट मेथड हो गया, कहीं बार डायरेक्ट कोई बंदा सवाल कर रहा है, कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है।
स्ट्रक्चर इंटरव्यू, अब स्ट्रक्चर इंटरव्यू में वो क्या बता रहा है कि पहले से सारे सवाल प्लान होते हैं, ठीक है। रिक्वायर्स अब इसमें देख ले पहले, इनवॉल्व द यूज ऑफ अ सेट ऑफ प्रिडिक्टर प्रिडिक्टर माइंडेड क्वेश्चन फॉर द हाईली स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग। रिक्वायर्स अच्छा इसमें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता रहा है। डिसएडवांटेज अच्छा आंसर क्या होता है, आंसर में पहले उसके क्वेश्चन प्लान नहीं होते, ठीक है। जो इंटरव्यू का दिल कर वो वैसा सवाल पूछ लेता है, ज्यादातर जॉब के लिए आंसर इंटरव्यू यूज होता है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लीजिएगा, इतना कोई ये नहीं है। अच्छा फोकस ग्रुप इंटरव्यू वही बात होगी, अगर आप किसी मेन जॉब के लिए कर रहे हैं तो फोकस ग्रुप हो जाएगा। क्लिनिकल इंटरव्यू वो आगे वही बात आ रही है, फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस, जो आपकी जिंदगी में आपने किसी किस जगह पे कौन सी फीलिंग्स या किस किस्म का महसूस किया उसके बारे में। नॉट दैट एनकरेज द रेस्पोंडेंट टू टॉक अबाउट द टॉपिक, अच्छा इसमें टॉपिक दे देंगे और उस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए बोलेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक हो गया जी। टेलीफोनिक इंटरव्यू अच्छा जिसके बाद जो बता रहा है टेलीफोन इंटरव्यू, जारी बात है जो फोन पे जो इंटरव्यू लिया जाता है टेलीफोन इंटरव्यू, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बता रहा है। अच्छा अच्छा जिसके बाद बता रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होता है जी, ये एक मतलब चार पांच सवाल से दस सवाल होते हैं, ठीक है। उसको उसको रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्ड करना होता है, कई बार यस नो में करना होता है, कई बार उसका सिर्फ जवाब देना होता है, ठीक है। कि अपनी कई बार जो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड होता है, ओपन एंडेड अपनी मर्जी से जवाब देना होता है, क्लोज एंडेड में ऑप्शन होते हैं बी सी जैसा, उसके अकॉर्डिंग उसने जवाब देना होता है। दिस इज यूजुअली पॉपुलर इन सेल्फ रिपोर्ट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड, इट कॉम्स यू टू गेट डेमोग्राफिक डाटा, इट अलाउ द कलेक्शन ऑफ लार्ज डाटा फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ द सैंपल क्विकली एंड इनएक्सपेंसिव, यानी सस्ता भी है और जल्दी भी लिया जा सकता है, ठीक हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, अब स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन बता रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन, वही बात आ गई। ओपन एंडेड में जो है अपनी मर्जी से जवाब देंगे और क्लोज एंडेड में उन्हें डायरेक्ट बंद कर दिया जाएगा कि आप यस नो जवाब दें, बस कोई एक ऑप्शन चूज कर लें। एडवांटेज इसके एडवांटेज बता रहे हैं, कभी पोस्टेड ईमेल आता है, ईमेल को फैक्स के जरिए भी जाता है, कभी कवर लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बड़े लोग बड़े नंबर जो लोग मतलब ज्यादा नंबर जो है लोगों को उसमें कवर किया जा सकते हैं। वाइड ज्योग्राफिक कवरेज इसमें ज्यादा जो नक्शे के हिसाब से ज्योग्राफिक कवर ज्यादा हो जाता है, रिलेटिवली चीप जी सकता है, नो प्रीडियो अरेंजमेंट नीड, इसमें कोई ज्यादा जो अरेंजमेंट और की जरूरत नहीं होती है करने के लिए। वाइड एम्बैरेसमेंट होता है, यानी कि कई बार ऐसा होता है एम्बैरेसमेंट इंटरव्यू में अगर हम कर रहे हैं तो बंदे को सवाल जवाब नहीं आता, हो सकता है जो हमारे रिस्पोंडेंट हो उसको जो है ना वो एम्बैरेस फील करते, इसमें भी चक्कर नहीं होता। रिस्पोंडेंट कैन बी कंसीडर रिस्पॉन्सेज, तो रिस्पोंडेंट इसमें आराम से रिस्पॉन्स भी कर देते हैं, ठीक है ना। डिसएडवांटेजेस डिजाइन प्रॉब्लम अगर हो जाए तो इसमें डिसएडवांटेज होता है, टाइम टाइम टेकिंग टेकिंग होता है, अगर बंदे को आप भेजे फैक्स करें जवाब भी ना दे। अच्छा जी रिक्वायर्ड रिटर्न डेडलाइन वही बात है, क्वेश्चन है रिलेटिवली सिंपल सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हिस्टोरिकली लो रिस्पॉन्स रेट बहुत ज्यादा, इसमें अगर हिस्टोरिकली क्वेश्चन है तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि यार हमने क्या जवाब देना है। टाइम डिले विसल विसल वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स टू रिटर्न, यानी कि टाइम जाया होता है, कंट्रोल अगर था हु कंप्लीट सेट, किसी का कंट्रोल नहीं है कि कोई सही जवाब दे रहा है, यानी कोई करे कंप्लीट या ना करे, नॉट पॉसिबल टू गिवन असिस्टेंट इफ रिक्वायर्ड, वही बात है कि जल्दी अगर चाहिए तो काम आपका नहीं होगा। टाइप्स ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन के कुछ टाइप्स बता रहा है जी। अच्छा जी आप टाइप ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन बता रहे हैं, डायकोटोमस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कैफेटेरिया क्वेश्चन, रैंक ऑर्डर क्वेश्चन, रेटिंग स्केल क्वेश्चन, चेकलिस्ट, विजुअल एनालॉग स्केल्स। अब इसमें ये टाइप उसकी बता रहा है, अच्छा डायकोटोमस क्या है, इट मेक्स अ रिस्पोंडेंट टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू रिस्पोंडेंट सच एज यस और नो, मेल फीमेल, हैव यू बीन हॉस्पिटलाइज्ड, यस ऑफ कोर्स। अच्छा जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता रहे हैं, मल्टीपल चॉइस दिए होंगे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, इस तरह के बने होंगे। अच्छा कैफेटेरिया क्वेश्चन में वो आप एक सवाल देगा, उसके आगे चार जवाब देगा कि आपको कौन सा बेहतर लगता है, उसमें वो बेहतर जो है वो टिक कर दें। अच्छा रैंक ऑर्डर क्वेश्चन, एक इसमें रैंक ऑर्डर बना देगा, 1-3 नंबर दे देगा, 1-10 नंबर दे देगा, तो उसके कारण यानी कि आपने चूज करनी होगी कि पहले नंबर इस चीज को देता हूं, दूसरे नंबर इस चीज को देता हूं, तीसरे नंबर इस चीज को देता हूं, ठीक है। जैसे बताया फैमिली आर्मी रिलीजन जाहिर है, हर बंदा अपने हिसाब से उसको रैंक ऑर्डर करेगा। अच्छा रेटिंग स्केल जो लिखा, रेटिंग स्केल बड़ा फेमस है, इसमें 1 से 10 तक होती है, उसमें रेटिंग आपने देनी होती है, एक मतलब होता है जी, जैसे ने बताया स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, 2 का मतलब होता है डिसएग्री, 30 का डिसएग्री, 4 का एग्री और 5 का स्ट्रॉन्गली एग्री, दूसरा मतलब होता है एक्सट्रीमली डिससैटिस्फाइड, 2 था एक्सट्रीमली सैटिस्फाइड तक 10 के दरमियान। अच्छा विजुअल एनालॉग स्केल, इट इज यूजफुल फॉर असाइनिंग द परसेप्शन ऑफ फिजिक स्टिमुलाई सच एज पेन, स्लीप क्वालिटी एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब ये वो बता रहा है कि इसमें विजुअल एनालॉग एक स्केल बनाया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि दर्द की कितनी ज्यादा आपकी कैपेसिटी है, सो कितना ज्यादा क्वालिटी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपकी कितनी ज्यादा, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसके बताएं, अच्छा जिसके ये स्केल आपने बता दिया, नो पेन एंड मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, जो मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ है, ठीक है। अभी फेस टू या इसमें ये भी होता है कि आप से ज्यादा ये फेस हुआ कि अगर आपको किसी ने पूछा कि अगर आपको थप्पड़ मारे तो आपका फेस कितना रहेगा, तो इसमें से आप एक नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू वाइवो एंड इनविट्रो। अच्छा वाइवो में क्या होगा, इनविट्रो में क्या होगा, वाइवो में आपका ब्लड फ्लो डिटरमाइन थ्रू द रेडियोग्राफी, अच्छा इनविट्रो में क्या होगा, मेजरमेंट बाय द परफॉर्मेंस आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि वाइवो में जो आपकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो देखेगा, ठीक है। और इनविट्रो में क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड यूरिया, सीरम एनए प्लस के प्लस, ठीक है। अब उसमें ये बता रहा है वाइवो में जो आपकी अंदर बॉडी के जो फ्लो हो रहा है ब्लड का उसको देखेगा, और जो विट्रो है उसमें जब वो बाहर जो चीज आ गया, ब्लड बाहर आ गया, उसका सैंपल ले लिया, फिर उसमें देखेगा कि क्या चीजें, फिर उसकी साइकोलॉजी फिजिकल मेजरमेंट करेगा, टेंपरेचर वॉल्यूम प्रेशर वगैरह देखेगा, केमिकल मेजरमेंट करेगा, माइक्रोबायोलॉजिकल मेजरमेंट करेगा, एंटोनॉमिकल एंड काइटोलॉजिकल मेजरमेंट करेगा। थैंक यू, आज के टॉपिक यहां पे खड़ा हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं। दुआ में याद रखें, बड़ों का ख्याल रखें, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।